हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्लेटफॉर्म। दिस इज मीनू ठाकुर। आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। आईआर का अगर हम एस्पेक्ट देखें तो ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आईआर का इन दिनों रोल बढ़ता ही जा रहा है और ये आपका सभी को पता है जियोपॉलिटिकल टर्मोइल कितना है, कितने इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। आपका ये पीसीएस लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस आईआर को अपन छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। With reference to the non-permanent members at United Nations Security Council, that is UNSC, consider the following statements and you need to find out the correct one, right? तो पहला question है, पहली statement है, sorry, the term of non-permanent members is 3 years, ठीक है। पांच security, जो इस security council के जो permanent members है वो पांच है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है non permanent members की। तो पहली स्टेटमेंट कहता है कि भाई जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसका जो टर्म होता है वो 3 साल के लिए होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। इलेक्टेड कंट्रीज रिक्वायर आर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन 193 मेंबर जनरल असेंबली। तो 193 मेंबर जनरल असेंबली के 2/3 की जो है वो प्रेजेंट वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। द सीट्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू रीजनल ग्रुपिंग्स। इंडिया हैज़ बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC फॉर 12 टाइम्स टिल नाउ। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं है कि भारत इसका मेंबर है नॉन परमानेंट ये स्टेटमेंट में, बल्कि ये भी एक फैक्ट दिया है कि वो 12 टाइम्स अभी तक बन चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सही है। सोमालिया, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा, ये 5 कंट्रीज़ ने रिप्लेस किया है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जिनकी 31 दिसंबर को टर्मलॉजी ख़त्म हो रही है मेंबरशिप। और ये 5 मेंबर्स जो हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होंगे और इनका कार्यकाल जो है वो शुरू होगा 2025 में, यानी अगले साल 2 साल के लिए चुने जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है कि 3 साल के लिए होता है, दिस इज़ ओनली फॉर 2 ईयर टर्म, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सीक्रेट पोल होता है जिसमें कि जो ऑलरेडी चूजन कंट्रीज़ हैं वो दो जो चूज़ की गई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनको 193 मेंबर कंट्रीज़ की 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी जो करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं आपके अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन एंड स्लोवेनिया, ठीक है, जिनका कार्यकाल शुरू हो चुका है जनवरी, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल्स की 4 रीजनल ग्रुप्स में डिवाइडेड है, अफ्रीका एंड एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन एंड लास्ट वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। तो 4 ग्रुपिंग है, ग्रुप मेंबर्स हैं। भारत जो है वो नॉन परमानेंट काउंसिल जो है वो 1950 में एक बार बना, 1967 में बना, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 8 बार बन चुका है, ना कि 12 बार। इसीलिए 4 स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, इलेक्ट हुआ है, लेकिन 8 बार टोटल, ठीक है। इसमें ईयर भी आपको मोटा मोटा याद रखना है। तो दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंग्लिश चैनल, ठीक है, जो न्यूज़ में था, इस पर UPSC पूछ लेता है, पेट है उसका पूछना कि भाई ये कहाँ सिचुएटेड है। बिटवीन साउदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस, वेस्टर्न इंग्लैंड इन ईस्टर्न आइलैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड नॉर्वे, ईस्टर्न इंग्लैंड एंड डेनमार्क। देखो मैप से ही देखो, ये है आपका इंग्लिश चैनल, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका फ्रांस है, UK एंड फ्रांस, ठीक है। तो आपका क्या था, UK यानी आपका इंग्लैंड और फ्रांस, फ्रांस कहीं पे है, नॉर्दर्न फ्रांस बिल्कुल सही है, साउदर्न इंग्लैंड सही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अभी ये क्यों चर्चा में था, क्यों पूछ सकता है कि 80 माइग्रेंट्स वर रेस्क्यूड एट सी बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ आफ्टर अ स्मॉल बोट गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज व्हाइल क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल फ्रॉम फ्रांस। द चैनल इज़ अ वाटर बॉडी डेट सेपरेट साउदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस एंड लिंक्स
साउदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ सी टू द एटलांटिक ओशियन। ठीक है जी, चलिए ये भी याद रखिएगा। जैसे कि इसके अंदर है, यहाँ पे आपका क्या है, केल्टिक सी, आयरिश सी ऊपर। जब आप इस तरीके से मैपिंग करते हैं तो थोड़ा अगल बगल में और आपको देख लेना है, जैसे स्ट्रेट ऑफ डोवर है इधर, बेल्जियम है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्दर्न फ्रांस है, ये साउदर्न इंग्लैंड है, और इनके बीच में है आपका इंग्लिश चैनल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, ये हो गया हमारा परमानेंट वाला, हो गया इंग्लिश चैनल। अब आता है हमारा पैलेस्टीन, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द पैलेस्टीन, पैलेस्टीन एट द यूनाइटेड नेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करंटली पैलेस्टीन इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट एंड नॉट अ मेंबर स्टेट एट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, पैलेस्टीन जो है वो एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है लेकिन मेंबर स्टेट नहीं है। पैलेस्टीन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट फॉर वोटिंग ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस एंड डिसीजंस इन इट्स मेन ऑर्गन्स एंड बॉडीज। वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट वोटिंग कुछ ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस में नहीं कर सकता। एक्सेप्ट फॉर पैलेस्टीन कोई भी अदर कंट्री और रीजन नहीं है जिसे परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट मिला है यूनाइटेड नेशंस में। तो कौन कौन सी सही है, तो भाई नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन तीनों ने अभी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्टेट। हम सब जानते हैं पैलेस्टीन और इसराइल का इशू, ये फर्स्ट टाइम है कि किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने ये कमिटेड किया है टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज स्टेट। करंटली पैलेस्टीन इज़ अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट एंड नॉट अ मेंबर स्टेट एट द यूनाइटेड नेशंस। इसलिए स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट थर्ड इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि सिर्फ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो सिर्फ पैलेस्टीन है, तो ऐसा नहीं है। देयर इज ऑल्सो अदर, डैट इज़ वेटिकन सिटी। ठीक है, एज अ परमानेंट ऑब्जर्वर ये बिल्कुल सही है कि पैलेस्टीन पार्टिसिपेट कर सकता है एक्सेप्ट फॉर वोटिंग, वोटिंग नहीं कर सकता ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस एंड डिसीजंस इन इट्स मेन ऑर्गन्स एंड बॉडीज फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल्स टू द जनरल असेंबली एंड इट्स सिक्स मेन कमिटीज। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन सहेल रीजन। सहेल रीजन न्यूज़ में था, ये बेसिकली रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। हाउ कम, अभी रशिया ने न्यूज़ में क्यों था, अभी तक इस रीजन को, अफ्रीका को हम सब जानते हैं कि भाई ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब ये कह सकते हैं खाने हैं बट वो एक्सट्रैक्ट नहीं होती हैं, इसलिए अफ्रीका काफ़ी पीछे है डेवलपमेंट में, उतना अमीर नहीं है। अफ्रीकन नेशंस और यूनाइटेड नेशंस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ठीक है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है सभी देशों के लिए। तो हाल ही में रशिया ने बहुत ज़्यादा असिस्ट किया है, असिस्टेंस दी है, मिलिट्री असिस्टेंस दी है अफ्रीका को, और ये सरपास किया है फ्रांस और US। अभी तक क्या था कि ट्रेडिशनली फ्रेंड्स थे फ्रांस और अमेरिका, बट नाउडेज रशिया इज़ बिकम द प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ अफ्रीकन नेशंस इन द रीजन। अफ्रीकन नेशंस कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट वोटिंग ब्लॉक एट द यूनाइटेड नेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसीलिए रशिया ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सी, दिस इज़ पॉलिटिक्स, है ना, ये ही पॉलिटिक्स है आपकी। तो एक अगर कुछ कर रहा है तो बदले में उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो रशिया प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेनिंग विद पॉलिटिक्स, मेकिंग इट एन एंटीसाइंग पार्टनर इन कंट्रीज सच एज माली, नाइजीर, बुर्किनो फासो, ऑल रूल्ड बाय द मिलिट्री जनतास डेट टुक पावर इन रिसेंट ईयर्स। तो वो सिर्फ मिलिट्री में हेल्प करेगा, रशिया कोई इंटरवेन नहीं करेगा राजनीति मामलों में, सबसे अच्छी बात यही है। इसीलिए ये सारे देश रशिया को ज़्यादा अपना क्लोजेस्ट पार्टनर समझ रहे हैं। अफ्रीका रिच है काफ़ी मिनरल्स में, ऑयल में एंड अदर रिसोर्सेज विच कम विद पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंजेस। इट्स रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंगली सेंट्रल टू इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटीज सच एज कोबाल्ट विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल फोन्स, लिथियम विच इज़ यूज इन बैटरीज। तो कोबाल्ट का भी जो है वो खान है अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपका सहेल रीजन है जिसके अंदर 10 कंट्रीज आती है, मोरिटाना, माली, बुर्किनो फासो, सेनेगल, नाइजीरिया, चाड, सुडैन और एरिट्रिया, ठीक है।
और ये अल्जीरिया का साउथ जो पार्ट है वो भी आता है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी है। कैमरून आपका एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल चाड, सेंट्रल एंड साउदर्न सूडान, द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ साउथ सूडान, एरिट्रिया एंड द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इथियोपिया, ठीक है, लीबिया का, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आ रही है। सो दिस इज सहेल रीजन। इसके अंदर कैसा क्लाइमेट है? ये जो सहेल है इको क्लाइमेटिक एंड बायोग्राफिक रिल्म है और अफ्रीका में है, बिटवीन द सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ एंड द सूडानियन सवाना टू द साउथ। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। सवाना के जो है उसके साउथ में है और अफ्रीका जो है सहारा और साउथ सूडान इसके बीच में है। और इसका क्लाइमेट कैसा है? सेमी एरिड है। इट स्ट्रेचेज अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन अटलांटिक ओशियन एंड रेड सी। सहेल जो है वो अफ्रीका का पार्ट है जिसके अंदर वेस्ट से ईस्ट तक की कंट्रीज है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो आपको याद रखना है मोटा मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओवर द चार्ट, द कंट्रीज बॉर्डर चार्ट। इनमें से वो कौन सी कंट्रीज है जो चार्ट कंट्री को बॉर्डर करती है? कैमरून, साउथ सूडान, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपका बेसिकली चार्ट जो है वो आपका किधर है? अभी इलेक्शंस इधर हुए हैं इसीलिए ये चर्चा में था। लीबिया है नॉर्थ में, सूडान है ईस्ट में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है साउथ में, कैमरून जो है वो साउथ वेस्ट में है, नाइजीरिया जो है वो साउथ वेस्ट यानी एट लेक चार्ड है, नाइजीरिया टू दी वेस्ट, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली वन यानी कैमरून, क्योंकि अगर आप देखोगे इसे गौर से तो ये है आपका कैमरून आपके इस तरफ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट में कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन जो है वो आपके साउथ में आ रहा है और ईस्ट में सूडान है, नॉर्थ में आपका लीबिया है, इधर नाइजीर है वेस्ट में और इधर नाइजीरिया है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आई आर हेयर ओनली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और अगर आपके पास कुछ सजेशंस है विच यू रियली वॉन्ट कि मैं उन सभी को इनकॉर्पोरेट करूँ, यू ऑल आर वेलकम टू शेयर योर थॉट्स एंड सजेशंस। और इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस प्रोग्राम यू कैन हैव, और आप मुझसे बात कर सकते हैं और माई पर्सनल नंबर। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट।